Hello friends, welcome to Shukla classes. Today's topic is advantages and disadvantages of e-commerce with components and example in Hindi. With full explanation, let's begin the topic of advantages of e-commerce. First point हमारा आता है advantage of e-commerce में कि e-commerce के द्वारा हम अपने व्यापार का लेन देन less national और इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू और कमेंट से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, जिससे हमें सामान को खरीदने में आसानी होती है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के सभी रिव्यू, सभी यूजर्स के रिव्यू को समझते हैं, वो सही हैं या गलत हैं, उसी के आधार पर हम एक प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा ई कॉमर्स का उपयोग हम 24/7 आवर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंज्यूमर के बीच होता है, इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका जो सीधा फायदा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को होता है। इसमें हमारी थर्ड पार्टी नहीं होती है, जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यानी कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते हैं और हमें जो सामान है वो एक सस्ते दाम में प्रोवाइड हो जाता है कंपैरिजन टू रिटेल मार्केट। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा घर बैठे बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, हमें बाहर जाकर सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होती या नहीं पड़ती है। तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा होता है, इसमें हमारा भी फ़ायदा होता है कि हमें वहाँ तक जाना नहीं पड़ता है, या और इसमें अगर हम सामाजिक दायरे में देखें कि सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा होता है, तो होता ये है कि उसमें बाहर जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलता है, क्योंकि हम जाएंगे तो कार से जाएंगे या बाइक से जाएंगे तो पोल्यूशन होगा। दूसरे नंबर पे उसमें ट्रैफिक जाम की जो संभावनाएँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो दो फायदे होते हैं। डिसएडवांटेज को देखते हैं इसमें। पहली है हमारी ई कॉमर्स में के लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती। ई कॉमर्स के लिए जो है सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो यानी कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट नहीं होंगे, यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल फर्स्ट कंपोनेंट हो गए और इंटरनेट जो है हमारा सेकेंड कंपोनेंट, तो अगर कंप्यूटर या मोबाइल नहीं हुआ या फिर इंटरनेट अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ, तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, अगर इसमें से हमारे पास एक भी चीज़ नहीं हुई तो बहुत बड़ी एडवांटेज आती है। फिर हमारा आता है तीसरा, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान को पहुंचने में 2-3 दिन या इससे अधिक दिन लग जाते हैं। चौथा है हमारा सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट हैक या फिर इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। तो इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास ई कॉमर्स की, जब कोई नई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पर भरोसा करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि हम नई वेबसाइट को समझते नहीं है कि नई वेबसाइट है किस लिए या फिर वो सही है या गलत है या फेक है, उस बात को समझने में टाइम लगता है। एक किसी भी चीज़ पे विश्वास करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारा आता है कंपोनेंट्स एंड एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मार्केट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज़ है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर ऑफिस की छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत कंपनियां हैं, जैसे मैंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन एसेट्रा। तो यह एग्जांपल हो गया। हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। जब हम किसी वस्तु या सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट इंटरनेट द्वारा करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कहते हैं। ये पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, प्रीपेड,
पे नाउ पे लेटर, पे लेटर को हम पोस्ट पेड भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। नेट बैंकिंग प्रत्येक बैंक द्वारा दी जाने वाली ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम घर ऑफिस में बैठे बैठे इंटरनेट की सहायता से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं तथा पासबुक, एटीएम आदि के लिए अप्लाई, मनी ट्रांजेक्शन या मनी ट्रांसफर आदि सेवा को आसानी से प्राप्त या फिर पूरा कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास ऑनलाइन टिकट। ऑनलाइन टिकट हम किसी भी चीज़ के, यानी कि रेलवे के, एयरवेज के, या फिर मूवी देखने के लिए, या फिर क्रिकेट के लिए, तो हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट में फ़ायदा क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से हम किसी मूवी शो या फिर बड़े प्रोग्राम, क्रिकेट मैच आदि के टिकट जो है वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अगला टॉपिक जो है हमारा EDI पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। तो अगर आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।